नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सोहेल स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम मित्रा में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा इंडियन आर्मी रेलवे भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट। तो दोस्तों, आप भी इस भर्ती परीक्षा में आवेदन करना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस भर्ती परीक्षा में कौन कौन आवेदन कर सकता है और ये भर्ती परीक्षा कौन कौन से जिलों के लिए निकाली गई है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस भर्ती परीक्षा में कौन कौन आवेदन कर सकता है और कौन कौन से जिले के लिए ये भर्ती परीक्षा निकाली गई है और इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है, हाइट क्या रखी गई है और कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों, मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलकर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप मेरे चैनल पर बने रहिए। तो दोस्तों, मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों, हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ज्वाइन इंडियन आर्मी, तो यहाँ पर कुछ कैप्चा दिया गया है, आपको यहाँ पर ये कैप्चा फिल करके आगे बढ़ना है। और दोस्तों, मैंने इस वेबसाइट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके सीधे इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो और यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर कैप्चा फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर कैप्चा फिल कर दिया और एंटर वेबसाइट पर क्लिक करूँगा। एंटर वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो जैसे कि हम यहाँ पर ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर पहुँच चुके हैं। अब मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करता हूँ। नीचे स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर JCO और NT, यहाँ पर सभी नोटिफिकेशन अपडेट हो जाते हैं। तो मैं व्यू ऑल पर क्लिक कर देता हूँ। व्यू ऑल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये कल का नोटिफिकेशन है और कौन कौन से जिले के लिए ये भर्ती परीक्षा निकाली गई है यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर यह लिखा हुआ है अलवर आर्मी रिक्वायरमेंट रैली फ्रॉम 11 जुलाई से 2 जुलाई के लिए, यहाँ पर अलवर के लिए भर्ती परीक्षा निकाली गई है। और वैसे ही आप आगे देखिए, जयपुर के लिए भी ये भर्ती परीक्षा निकाली गई है और ये झुंझुनू के लिए भी निकली हुई है, ये जोधपुर के लिए निकली हुई है। तो दोस्तों, आप भी अपने जिले की रेली भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन यहाँ से देख सकते हो। अब मैं इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको संपूर्ण जानकारी बताता हूँ। अब जैसा कि नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा PDF फाइल के ऊपर, तो मैं भी अलवर का नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आर्मी भर्ती कब से कब तक के लिए निकाली गई है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर देख रहे होंगे, ये आर्मी भर्ती परीक्षा 11 जुलाई 2021 से 2 अगस्त 2021 के बीच में होगी तथा इसके रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए इसके रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पर दी गई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 14 मई 2021 से 27 जून 2021 तक आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो यह आर्मी भर्ती परीक्षा अलवर के अंदर और भी जिले दिए गए हैं, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे, यहाँ पर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट के लिए भी ये भर्ती निकाल ली गई है। तो दोस्तों, आप इस तरह से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि आप अपने जिले के लिए, आपके अपने जिले के लिए ये भर्ती परीक्षा निकली है या नहीं निकली है। तो दोस्तों, मैं अब आपको नीचे ले चलता हूँ। इसके क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कैटेगरी कौन से पदों के लिए यह भर्ती प्रक्रिया निकली है तथा इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है और जन्म कब से कब के बीच में होना चाहिए और हाइट सेंटीमीटर के अंदर कितनी होनी चाहिए और विद्यार्थी का वेट कितना होना चाहिए आवेदक का तथा इसमें एजुकेशनल रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों, हम पहले देखते हैं कि शोल्डर क्लर्क व स्टोर कीपर टेक्निकल ये पोस्ट है, इसके लिए एज लिमिट 17 वर्ष से 23 वर्ष के बीच में रखी गई है तथा आवेदक का जन्म 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004 के बीच में होना चाहिए तथा इसके अंदर हाइट 165 सेंटीमीटर रखी गई है तथा वेट क्या रखा गया है यहाँ पर बताया गया है, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं तथा चेस्ट क्या रखी गई है। और क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करना चाहेंगे, यहाँ पर क्वालिफिकेशन 10+2 रखा गया है तथा इसमें सब्जेक्ट आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस होने चाहिए और फिर 60% मार्क्स होने चाहिए तथा प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। उसी प्रकार दोस्तों, नीचे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे शोल्डर टेक्निकल पोस्ट के लिए भी ये भर्ती निकाली गई है, उसी के लिए भी यहाँ पर एज लिमिट वही दी गई है जो ऊपर दी गई है और जन्म दिनांक कब से कब के बीच में होनी चाहिए वही दी गई है तथा यहाँ पर आप एजुकेशन
क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस वेबसाइट पर विजिट करके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन और हाइट चेस्ट वगैरह देख कर आप पता तो लगा दोस्तों सकते। आज आज मुझे यही छोटी सी जानकारी देनी थी आपको, मेरे द्वारा जानकारी दी गई जानकारी सही लगी हो तो, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइबर लाइक शेयर कर दे, ताकि न्यू भर्ती परीक्षा से जुड़ी नए नए अपडेट आपको मिलती रहे। और मैंने ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर जाके इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हो और ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।